क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोला कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। मतलब अगर किसी को एक पोजिशन मिल गई तो दूसरे वाले को ही सेकेंड पोजिशन देनी है, किसी एक को दो पोजिशन नहीं दे सकते हैं। तो वापस वही मेथड 1 लेते हैं FPC का। हमको दो पोस्ट डिफाइन करनी है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि ये पहले वाले पोस्ट के लिए मान लिया कि हमें बनाना है चेयरमैन, ठीक है। अगर चेयरमैन मुझे बनाना है तो मुझे बताओ कि टोटल कितने पर्सन है, 8। 8 में से कितने चाहिए, एक चाहिए। तो मतलब ये पहले पोस्ट को भरने के लिए कितने तरीके हैं, 8 वेज हैं। दूसरी पोस्ट मैंने वाइस चेयरमैन के लिए ली, ठीक है। वाइस चेयरमैन के लिए कितने चांसेस बचे हैं, तो 1 पर्सन चेयरमैन बन चुका है, तो अब बचे टोटल कितने, 7 वेज। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन वुड बी 56। अब अगर दूसरा तरीका देखें तो मेथड 2 ले लेते हैं, PNC वाला, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8। कितने सिलेक्ट करने हैं, दो आदमी लेने हैं, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, NPR। NPR क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली 8 PR। तो 8 PR, आर की वैल्यू 2, सो इट इज 8 × 7 डिवाइडेड बाय, देखो इंटू 6 फैक्टोरियल ले लिया, डिवाइडेड बाय 8 − 2 का फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। सो फाइनली आंसर वुड बी 56। तो मतलब मेरे पास कितने तरीके हैं, 56 वेज हैं। आई होप ये जो इजी क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि n − 1 P3 इज टू n P4 इज इक्वल टू 1:9, ठीक है। n − 1 P3 इज टू NP4, इसकी जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो दे रखी है 1:9। हमें निकालना है n की वैल्यू। चलिए ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, या चलिए इसको एक काम करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं n − 1 P3 को। तो n − 1 P3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n, मतलब जो न्यूमरेटर है वो आपका n − 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n की जगह तो n − 1 आ जाएगा −r का फैक्टोरियल। सो इट इज इक्वल टू n − 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n − 4 फैक्टोरियल। सो n − 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि n − 1 निकाल लिया, n − 2 निकाल लिया, n − 3 निकाल लिया। अब जो बचा हुआ n − 4 का फैक्टोरियल बच गया, हर बार ऐसे ही करते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, n − 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पहली टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, n − 1 × n − 2 × n − 3, दिस इज n − 1 P3। अब आ जाते हैं NP4 पे। NP4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n − r, तो n − 4। अच्छा ऊपर वाला जो n है उसको ऐसा लिख सकते हैं कि n × n − 1 × n − 2 × n − 3 × n − 4 का फैक्टोरियल। हम वही करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n − 4 का फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, n × n − 1 × n − 2 × n − 3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऊपर प्लेस कर देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो n − 1 P3 की जगह क्या लिख सकते हैं, n − 1 × n − 2 × n − 3, और डिवाइडेड बाय NP4 की जगह क्या लिख सकते हैं, n × n − 1 × n − 2 × n − 3। इट इज गिवन एज 1/9, ठीक है। अब देखो n − 1 कैंसिल हो गया, n − 2 कैंसिल हो गया, n − 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची कि 1/n = 1/9। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वैल्यू ऑफ n वुड बी 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, n = 9। अब क्वेश्चन नंबर 7 के भी दो पार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 7th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि 5 PR इज इक्वल टू, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 इज 5 PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 PR − 1, और इसी का सेकेंड पार्ट है 5 PR इज इक्वल टू 6 PR − 1। दोनों इंडिविजुअल क्वेश्चन है, दोनों को हमें सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 5 PR का फॉर्मूला लगाते हैं। 5 PR क्या होता है, वही NPR। तो
तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये तो पहला पार्ट हो गया, इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, यहां पर भी फॉर्मूला लगाइए तो इट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब वही 6 माइनस आर। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अच्छा 6 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वही छोटा वाला नंबर निकाल रहे हैं, और ये जो सॉल्व होगा नीचे तो इट वुड बी 7 माइनस आर फैक्टोरियल, देखो वो माइनस आर देगा और प्लस 1 देगा, तो प्लस 1 जो है वो 6 के साथ ऐड होके 7 माइनस आर दे देगा। अब ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल उड़ गया, अब क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 6 अपॉन, अब देखो मैं इस 7 माइनस आर में से 5 माइनस आर निकाल सकता हूँ, इसलिए कैसे लिखूंगा, 7 माइनस आर को बाहर निकाला, फिर 6 माइनस आर को एक एक कम करते जा रहे हैं, फिर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बचा लिया क्योंकि ये हमको रिक्वायर्ड है। वही क्या लिखा मैंने कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो जितनी टर्म की रिक्वायरमेंट थी उतनी टर्म हमने बाहर निकाल दी, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 7 माइनस आर और 6 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12, ये जो ब्रैकेट है इनको एक बार प्रोडक्ट कर लेते हैं तो इट इज 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल टू 0, देखो ब्रैकेट बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके आर माइनस 3 एंड आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आर की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 3 या फिर 10, ठीक है। अब तुम खुद देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो एन था, मतलब जो बड़ा नंबर था ये वाला नंबर, ये तो 5 था, और जब हमने सबसे बिगिनिंग में पढ़ा था, सबसे बिगिनिंग जब हमने क्वेश्चन किया था वहां पर आर और एन की रेंज हमने स्पेसिफाई की थी, अगर तुम्हें याद हो तो, लेट मी शो यू, यहां पर देखो कि जो एन है वो तो बड़ा है और उसमें से आर सिलेक्ट करने, मतलब जो आर होगा वो एन से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर कितना आया है, 10 आया, अगर ये 10 आया है तो हमारे पास एन की वैल्यू 5 थी, तो यहां क्या लिखेंगे कि सिंस आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 सो आर वुड बी 3, तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी आर की वो कितनी होगी, 3, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 3। अब जैसे पहले वाला उसको सॉल्व किया उसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी साइड में सॉल्व करके देखते हैं, सेकेंड वाले के लिए अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एन पी आर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये हो जाएगा 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल पुरानी तरह ही जैसे अपन ने किया। अब इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 7 माइनस आर हो रहा है, वापिस वही पुराना वाला साइड में लिखा हुआ है, तो 7 माइनस आर को लिख रहा हूं मैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मैंने स्टेप्स खाली पड़ोस में लिखी हुई है, देखो 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 आर है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें एन की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही है कि एन की वैल्यू 5 दे रखी है अपने को, ठीक है, या फिर अगर सेकंड वाला देखोगे तो एन की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब कहीं ना कहीं तुमको आर को इन वैल्यू से छोटा लेके आना है। चलिए वापिस से अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वापिस वही बनेगा, 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, सो आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और ये हो जाएगा प्लस में ये इधर चला जाएगा तो इट वुड बिकम 36 इज इक्वल टू 0, अब 36 से और 9 है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इक्वल टू 0, यहां से फैक्टराइज हो जाएगा आर माइनस 9 एंड आर माइनस 4 इक्वल टू 0, सो आर की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर 4 होगी, 9 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन, अगर आर की वैल्यू 9 रख दी तो देखो 5 से बड़ा हो जाएगा और आर की वैल्यू 9 रखते वो 6 से बड़ा हो जाएगा, सो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ आर वुड बी 4, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया था आर इक्वल टू 3 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया आर इक्वल टू 4। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले पे हैं, सिर्फ इतना बताते हैं कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं,
एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, मतलब उसमें से हम टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वापस से रिमाइंड करो, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वापस अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।